बस्तर राजमहल जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। अगर कभी आप बस्तर आते हैं तो बस्तर का राजमहल घूमना ना भूलें। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा बस्तर का राजमहल, और यहाँ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं वो सब बताता हूँ। बस्तर का राजमहल आज भी वही शाही राजमहल जैसा ही है, और यहाँ भी अभी भी जो है यहाँ के राजा जो इनके वंशज हैं, प्रवीण चंद भंसदेव के जो वंशज हैं वो आज भी यहाँ पे हैं। ये हैं महाराजा प्रवीण चंद भंसदेव जी, और यहाँ का जो जो महाराजा हैं उनकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ के राजा होते हैं। और यहाँ पे पूरे अभी जो पुराने राजा थे और जो महारानी थी उनका भी यहाँ पे जो फोटोस है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी लाइटिंग वाली प्रॉब्लम है ये है। इसके अलावा देखिए ये वन भैंसा, जब मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला कि ये रियल वन भैंसा का जो है यहाँ पे लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे लगा है महाराजा प्रफुल्ल चंद भंसदेव जी का जो है ये चित्र है। तो यहाँ के जितने भी महाराजा हैं तो उनका यहाँ पे पेंटिंग जो फोटोस है वो लगाया गया है। एक्चुअली मैं लेट नाइट आया था, रात में आया था, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया। और ये हिरन भी है, ये ओरिजिनल हिरन का ही है देखिए। और ये सब जो महाराजा और यहाँ की जो महारानी थी उनका जो फोटोस है वो सब लगा हुआ है। और ये सबसे ख़ास चीज़ यहाँ का जो महल है, यहाँ जो जितनी एरिया में फैला है ये सब चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एक्चुअली अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि रात में आया था और परमिशन लेना था, बट सिक्योरिटी गार्ड वाले बोले कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिलता, इसलिए मैं परमिशन नहीं ले पाया। नेक्स्ट बार जब भी जाऊँगा तो और अच्छे से इस वीडियो को बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीके टू इट।